500 చెరువు వండిపోయి చేప పెడుతుంటే గిద్దొచ్చి हेलो गाइस, दिस इज शराज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शराज अफ्रीकी स्टंट्स। तो आज गाड़ी के साथ खड़के हुआ मैं, बिकॉज आज मैं मेरी ड्यूक 200 बेच दे रहा हूँ। रीज़न ये है बेचने का, बिकॉज मेरे को अपग्रेड करना है। तो थॉट ऑफ मेकिंग इसको स्टंट मोड, बट अभी ऑलरेडी 200 मेरे पास है अपाची। तो हमारे 200 कई को अपन हायर सीसी में जाएंगे, बल्कि आज इसको बेच दे रहा हूँ। तो अपन अब इसको अपने घर के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि जो इनके नए ओनर है, जो गाड़ी खरीदने वाले हैं, वहीं पे रहते हैं। तो लेट्स गो, लेट्स सी। तो आ गए अपन घर को। साहिल की हेल्प से अपन गाड़ी टो करके ला लिया, बिकॉज उसमें कूलेंट नहीं था। टॉप अप कर लिया कूलेंट। पूरे गाड़ी अपने यहीं से, अपाची, बुलेट, ड्यूक, फैशन। तो आज इसका लास्ट डे है अपने साथ, तो लास्ट राइड, एक वन लास्ट राइड। चलो साहिल भाई, बन जाएंगे, लेट्स गो फॉर वन लास्ट राइड। इतने दिनों से गाड़ी थी रखी हुई घर पे, मतलब अपने पार्किंग में, बट मैं चलाया नहीं, बिकॉज नहीं हो रहा था भाई निकालना गाड़ी। बट आज जा रही, लास्ट डे आज इसका, तो एक आखिरी राउंड अप, ट्रॉल, कुछ भी बोल लो। एक्चुअली इसके मीटर में इशू है, बिकॉज ऑफ पानी ड्यूक के मीटर्स ख़राब होते, तो इसका भी वही हाल था। और ये लीवर जो टूटे हुआ दिख रहा है आपको, वो गली में, अपनी गली है पहले छोटी, वो ऑटो वाला परसों लगा के गिरा के चले गया। हाँ, छोटे छोटे थिंग्स। तो लास्ट राइड है गाड़ी के साथ, लेट्स एंजॉय द मोमेंट। क्योंकि मैं ये गाड़ी इसलिए लिया, बिकॉज दिस वाज 2012 मॉडल और मेड इन ऑस्ट्रिया। लाइक अभी जो भी 2000, मेरे हिसाब से 14-15 जो भी है 2014-15 के ड्यूक्स, दोज आर ऑल मेड इन इंडिया। सो दोज आर मैन्युफैक्चर्ड इन पुणे। तो ये वाली जो है, जब स्टॉक गाड़ी आई थी अपने, पूरी टोटल कंप्लीट गाड़ी ऑस्ट्रिया से, तो इसलिए इसको ढूंढ के लिया। इसमें KNN का फिल्टर भी लगा है, उसके लिए आवाज़ ज़बरदस्त आ रही। मिस सर, यार बहुत मिस करूँगा मैं इसको, क्योंकि मैं स्टंट मोड बनाने के लिए इसको लिया था। थोड़े दिन में इसको स्टंट मोड बनाएंगे बोल के लिया था। सो स्टंट मोड इन द सेंस, लाइक ड्यूक, अगर ड्यूक पे स्टंट्स करें तो और मज़ा आता। 200 cc सेगमेंट में ड्यूक बहुत अच्छी गाड़ी है, बट मैं सोचा था 200, मैं वही सोच के 200 लिया और इस पर स्टंट्स करेंगे बोल के। बट ऑलरेडी मेरे पास जब अपाची RTR 200 है, सो वाई शुड आई स्विच अगेन टू 200 cc, आई गो फॉर हायर cc बोल के मैं इसको स्टंट मोड नहीं बनाया। और अभी थोड़ा पैसों की भी ज़रूरत है, तो आई हैव डन द डील विथ मेरे सीनियर ही है रामू भाई बोल के, उनको गाड़ी अच्छी दिखी। तो थोड़े है काम इसके, मतलब हेडलाइट वगैरह वगैरह वो सब उन्होंने बना लेते बोले, वेरी अंडरस्टैंडिंग, बहुत अंडरस्टैंडिंग में थे उन्होंने। पेपर वर्क भी पूरा ऑलमोस्ट ऑन है, कल तक गाड़ी भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो मिस करता हूँ इसको बहुत, ज़्यादा चलाया है ना इसको, हार्डली आई थिंक 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर, हाँ 2000 किलोमीटर भी नहीं चला, आई थिंक 1500 किलोमीटर से ज़्यादा ये गाड़ी नहीं चलाया मैं लिए जब से शादी के बाद से। फिर लिख जाके जो वहाँ डाल दिया, तो साला हाँ पलट के नहीं देखा इसको। गाड़ियों से बहुत लगाव है भाई, गाड़ियाँ जितने भी दिए हमें वो कम दिखते। अभी पल्सर, CT 100, वो गाड़ियाँ तो खांकिच पड़े हुए उन लोगों को भी एक बार जाके देखता हूँ निकालना उसको भी। मेरी फर्स्ट स्टंट बाइक पल्सर 150, उसको भी निकाल के पूरी रिस्टोर करना है, क्योंकि एक साइड में पड़े पड़े पूरी कुप्पा हो गई उन्हें बारिश में।
देखते हैं क्या होता। आ गए अपन ऑलमोस्ट दिलीप के घर को। हमारे रामू भाई थोड़ा रास्ता भटक गए, आई मीन लेफ्ट लेना था, राइट लेना था एक्चुअली, मैं उनको गलती से लेफ्ट बोल दिया। उन्होंने लकड़ी का वो लाने का नामपल्ली चले गए, तो उन्होंने आ रहे, मैं उनको लोकेशन भेज देता हूँ यहाँ पे जाके। तो अपन जब तक ये झिंगुर को फोना करेंगे, इन्हें बहुत आरो आरो बोल के बहुत सताता है ना, फ़ोन करेंगे इसको। एक बजे तक तो आ जाओ बोला, अपन टाइम के पक्के है, देखो एक बजने और एक मिनट है, इन्हें कितना पक्का है मालूम होगा। దిలీప్ గారు ఆనికే తింటావు బండం చేస్తున్నా ఇది 500 నా చెరువండు పోయి చాప పెడుతుంటే గెద్దొచ్చి తిన్నండ 500 ఏడుట నా దగ్గర ఇప్పుడు ఏంటి అవ్వలా నీవే లేవనా ఉంటే పంపియా నా ఇక్కడ ఎక్కువనా దిలీప్ కి బిల్లియే हाँ। और दिलीप भाई बहुत दिनों के बाद मिले, तो दिलीप भाई गाड़ी बना दिए, सर्विस कर दिए, तो हम ना जा रहे हैं अभी। चलो बाय 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 राम। तो दिलीप भाई गाड़ी बना दी है, अभी अपन जा रहे समझो। अरे मस्त हो गई गाड़ी। तो हो गया, गाड़ी सर्विस करा लिए दिलीप के पास, दो नए लीवर्स लग गए इसको, उसके वाइजर्स लग गए और इंजन ऑयल चेंज हुआ, कूलेंट चेंज हो गया टोटल, ऑयल फिल्टर वगैरह, जनरल सर्विस जो जो होती, क्लच केबल चेंज हो गया। अभी गाड़ी और मस्त हो गई, अभी मेरे को बेचना दिल नहीं बोल रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बेचना बोल तो थोड़ा वो हो रहा हूँ, बट अपन ऑलरेडी बात दे दिए, डील हो गई। तो रामू भाई डिलीवरी कल लेने वाले गाड़ी की, तो आज अपने पास ही रहेंगी गाड़ी। तो वैसे तो गाड़ी घर का नहीं रख दे के, मेरे को भी दूसरे काम है, तो गाड़ी रख दे के भैया को चाबी दे देता हूँ, कल उनको जब भी सही टाइम लगता ना आके गाड़ी ले लेते। सो यहीं तक था अपना सफ़र ये गाड़ी के साथ। 2 साल मेरे पास थी, बट 2 साल में शायद हार्डली मैं, और जैसा ऑलरेडी बोला, 1500 या 2000 किलोमीटर ही चलाया। सो ये है अपने रामू भाई, जो जिनको मैं गाड़ी बेचा। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आप लोग वीडियो अच्छा दिखे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आगे मैं कौन सी गाड़ी लेना मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सजेस्ट मी एनी बाइक। सी यू।